नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ मेघा कौशिक। दोस्तों, हम रोज लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा, साथ ही बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आज अगर आप सुबह ही अपने कोई काम को टालने वाले हो तो आपको बता दें कि आज बहुत ही दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। इस शुभ संयोग में अगर आप हमारे बताए टिप्स के अनुसार चलेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, साथ ही आज से अखंड दीपक जलाए जाए तो शुभ लाभ भी होगा। इसे विस्तार से आगे बात करेंगे और बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आप अपनी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल भी जान सकते हैं कुछ आसान से उपायों के साथ। आपको हमें कॉल करना है, हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता रहेगा। कॉल करने के साथ आपको बस हमें अपना नाम, जन्म की तारीख और जन्म का समय बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल, सितारों की चाल, क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे आज मनाई जाने वाली अधिक मास की पूर्णिमा तिथि। आज जो है पूर्णिमा तिथि है, वो भी पुरुषोत्तम मास की, तो आज ऐसा क्या दान करें जिससे हमें शुभता प्राप्त हो। और आज मैं आपको बताऊंगा अखंड दीप के महत्व के बारे में, जो अगले 15 दिन आपको करना है। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दोस्त लोग हैं, जो हमारे दर्शक हैं, आज दूसरों से कुछ कहने से पहले मौका देखिएगा, समय देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि अगला जो है वो हड़बड़ी में हो और आपको सुनने, आपके जो सुने का है वो अनसुना कर दे। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश जी महाराज को दुर्वार्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज दिन की शुरुआत आपके लिए अच्छी हो सकती है। आपके अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज आपको हर संभव प्रयास करना है, कोशिशें करनी है, एफर्ट्स करना है। ध्यान रखिएगा आज किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना है, खुद पर कंट्रोल रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए चींटियों को आटा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको फालतू जोखिम लेने पर थोड़ी सी उलझने आपकी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। ओवर रिस्क लेके आज आपको कोई काम नहीं करना है और दूसरों में दोष ढूंढने से बचिएगा। एक बड़ा विवाद का कारण हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, हमारे घर में ये बनता है कि हम दूसरों में दोष ढूंढते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है। जब हम दूसरों पे दोष ढूंढने लगते हैं तो उसका इमेज हमारे ऊपर भी नेगेटिव पड़ता है। आज के दिन की सफलता के लिए सौंफ का पानी पीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमसे हल जान सकते हैं, हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता रहेगा। गुरुजी, एक कॉलर जुड़ गई हैं, रंजना जी हैं। रंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ से बोल रहे हैं और उसके अलावा अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताइए। राधेकृष्ण, मैं भारत पर राजस्थान से बोल रही हूँ। जी, हमें भाई के बेटा कार्तिक जात के बारे में जानना चाहते हैं। जी बोलिए बेटा। राधेकृष्ण गुरुजी। राधे कृष्ण बेटा। गुरु की इसकी डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 2000, शाम को 5:30 बजे। जी बेटा। भरतपुर राजस्थान। गुरु जी, इसमें ना इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, इस सारे कंपटीशन में सीखा, किसी के में भी नंबर नहीं आया है और ट्वेल्थ में भी बहुत कम परसेंटेज आई है। ये आगे क्या करेगा? अच्छा, पढ़ाई में आजकल तो ये फ्रेंड्स में रहता है, ना किसी की सुनता है। देखिए बेटा, रंजना, आपकी हमारी शायद पहले भी बात हुई इस बच्चे को लेके, और हमने आपको एक बात ये कही थी कि चूंकि इसकी जन्म कुंडली में शनि नीच का है,
अगर शनि नीच का हो जाता है तो हम उसको टेक्निकल स्टडीज में, मेडिकल, इंजीनियरिंग, इस तरह की लाइन में उसकी सक्सेस नहीं हो पाती, हम उसे अच्छा नहीं मानते हैं। ऊपर से इसकी जो जन्म कुंडली है उसमें लग्न के अंदर राहु बैठा है, वो भी अपनी शत्रु राशि चंद्रमा के घर में ग्रहण योग बनाता हुआ, तो कहीं ना कहीं अभी शनि के 19 साल की इसको महादशा चल रही है और उसमें भी अब इसका एक नेगेटिव फेज शुरू हो चुका है। 2021 तक शनि की महादशा सूर्य का अंतर, फिर शनि की महादशा चंद्रमा का अंतर, आने वाले 3 साल कम से कम इस बच्चे के लिए अच्छे नहीं हैं। मेरे हिसाब से अभी भी समय है कि आप इसको इंजीनियरिंग वगैरह में नहीं डालें, इसकी लाइन चेंज कर सकते हैं। आप इसको मैनेजमेंट सेक्टर में डाल सकते हैं, आप इसको लॉ सेक्टर में डाल सकते हैं, आजकल 5 ईयर लॉ भी होता है उसमें भी डाल सकते हैं, नहीं तो BBA MBA करवा सकते हैं, नहीं तो BCOM करवा सकते हैं, लेकिन टेक्निकल इस बच्चे को मत डालिए, इंजीनियरिंग इसको मत कराइए, क्योंकि इसका करियर जो है वो टेक्निकल जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। शनि को शांत करने के लिए हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ या तो ये स्वयं करें या इसके माता या पिता में से कोई करे। एक मूंगा रत्न आता है, कोरल बोलते हैं उसको, 6.25 रत्ती का, वो अनामिका उंगली में चांदी के अंदर धारण करवाना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो काले और नीले रंग के वस्त्रों से उसको बचना है। तीसरी जो बात है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको बोलिएगा कि हर शनिवार को शनि भगवान के मंदिर अवश्य जाए, वहाँ पर तेल अवश्य चढ़ाए। इन सरल से उपाय से इसके जीवन में शुभता प्राप्त हो सकती है, तो आप ये करके देखिएगा। तो उम्मीद है आपको रंजना जी आपके सवाल का, समस्या का हल मिल गया होगा। गुरु जी आगे बढ़ते हैं। हेमंत जी हैं ब्यावर से जो कॉल कर रहे हैं और अपने भांजे के बारे में जानना चाहते हैं, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 6 मई 2001 और समय है 4:38 सुबह का। हेमंत जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं जी। हेमंत जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ। जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, शाम का जी, शाम का। आप तारीख समय बताएं हेमंत। पंडित जी नमस्ते। जय श्री कृष्णा। 6/5/2001 4:38 शाम का। 6 मई 2001। हाँ, 4:38 का शाम का। ठीक, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, ये अभी साइंस मैथ्स ली है और वो 12 पास कर ली है और अच्छे नंबर नहीं आया, तो उसको कौन सा पंडित जी, इसको कौन सा है? इसके पापा कह रहे हैं होटल मैनेजमेंट करवाएं या कौन सा कोर्स करवाएं? 12 पास कर ली। देखिए वैसे अगर आप इसको साइंस मैथमेटिक्स है तो आप इसको इंजीनियर बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इसके एजुकेशन हाउस का जो ऑनर है, पढ़ाई के घर का जो स्वामी है वो शनि है और शनि मित्र राशि में भाग्य स्थान में बैठा है। अगर ये इंजीनियरिंग कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता है, होटल मैनेजमेंट मेरे हिसाब से इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। अगर इसको और कोई काम करना है तो इसको लॉ सेक्टर में डाल सकते हैं, 5 ईयर लॉ में डाल सकते हैं, कॉमर्स करवा सकते हैं, आगे कॉमर्स के बाद में ये CA CS भी कर सकता है, मैनेजमेंट सेक्टर में भी जा सकता है, BBA MBA भी हम इस बच्चे को करवा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस तो मेरी यही रहेगी कि आप इसको टेक्निकल ही करवाएं, इंजीनियरिंग करवाएं। 18 साल की राहु की महादशा इस बच्चे की खत्म हुई है, अब 16 साल की गुरु की महादशा शुरू हुई है, इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। समय ऐसा होता है तो बच्चों के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन एक खाली 12th में नंबर कम आने से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये बच्चा उस सब्जेक्ट में सर्वाइव करेगा कि नहीं करवाएगा। हॉरोस्कोप से ये जरूर पता पड़ता है कि इस बच्चे का करियर किस लाइन में बनना ज़रूरी हो सकता है या उसमें सक्सेस मिल सकती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये बच्चा भी टेक्निकल रूप में सर्वाइव कर सकता है, इंजीनियर बन सकता है और आगे MBA करके भी सर्वाइव कर सकता है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप इसको इंजीनियर बनाएं, यानी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन डलवाएं। अगर नहीं होता है तो आप इसको BBA MBA करवा सकते हैं या लॉ करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपकी समस्या का हल आपको हेमंत जी मिल गया होगा। अगली कौरक गुरु जी सरोज जी हैं उदयपुर से, जो अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हैं। 5 जनवरी 1999 ये डेट ऑफ बर्थ बताती हैं और 11:33 सुबह का टाइम बताती हैं। सरोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं जी। सरोज जी पूछिए। क्या पूछ रहे हैं बेटा? एडवांस के एग्जाम दिए इसमें अभी। जेई एडवांस? जी जेई एग्जाम। हाँ ओके। देखिए बेटा, हाँ एक्चुअली क्या है, मैंने शायद आपकी हमारी पहले भी बात हुई है,
मघा नक्षत्र का इस बच्चे का जन्म है, गणमूल नक्षत्र का इसका जन्म है। अगेन वही बात आती है जो मैं बार बार कहता हूँ कि अब चूंकि इसकी आपने उसको साइंस दिला तो दिया, लेकिन साइंस जो है वो सीधा रिप्रेजेंट करता है शनि को। शनि इसकी जन्म कुंडली में नीच का है। अल्टीमेटली इसको जो सक्सेस मिलनी है वो सब सक्सेस मिलनी है मैनेजमेंट सेक्टर में। तो आजकल ये भी हो गया है, चाहे आप IIT करें चाहे आप BE करें, आफ्टर कंप्लीटिंग द IIT और BE आप कहीं ना कहीं आपको MBA करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप टेक्निकल होते हुए भी नॉन टेक्निकल हो जाते हैं। जहाँ तक आपने अभी पूछा है कि भाई इसका रिजल्ट कैसा रहेगा, तो शुक्र की मादशा चल रही है और शनि का अंतर आने वाला है। शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं, लेकिन शनि नीच का है तो कहीं ना कहीं कोई कहते हैं ना कि कोई आदमी या कोई ग्रह नीच का हो तो वो अपना असर तो दिखाता ही है। तो थोड़ा सा हमें लगता है कि कुछ डिसएडवांटेज मिल सकते हैं शनि नीच के होने के। आप तुरंत प्रभाव से एक कोरल आता है तिकोना मूंगा, अनामिका उंगली में चांदी में उसको धारण करवा दीजिए, इस बच्चे के वजन के बराबर गुड़ का दान करवा दीजिए और शनिवार के दिन जब संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ करिए, नहीं तो आज मंगलवार को पाठ करिए। अगर आने वाले रिजल्ट आ रहे हैं तो कुछ दिनों तक कंटिन्यूस जो है वो सुंदरकांड का पाठ करें, बच्चे का रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। गुरुजी शंकर जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ अजमेर से, जो बेटे हर्ष के लिए पूछना चाहते हैं। 24 अप्रैल 1996 ये डेट ऑफ बर्थ बताते हैं और समय सुबह माफ कीजिएगा शाम का 4 बजे का बताते हैं। शंकर जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैं बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ, RPMT का एग्जाम दिया है, KPMT का, और 2 साल से दे रहा है उसे। तो किस चीज का एग्जाम दिया है? RPMT का, AIPMT का। अच्छा, मैं ये मेडिकल का? मेडिकल का। ओके, कहाँ इसने ड्रॉप किया है? ड्रॉप भी किया है। अगले साल क्वालिफाई हो गया था मगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। ओके, अभी वापस इसने फाइट किया है नीट। हाँ ठीक है। देखिए ऐसा है शंकर जी, इस बच्चे को शनि की मादशा और चंद्रमा का अंतर, शनि की मादशा और चंद्रमा का अंतर जो होता है उसको विष योग बोला जाता है। जनवरी 2016 से इस बच्चे का खराब समय चल रहा है जो इस साल अगस्त 2018 में कंप्लीट हो रहा है, इसी वर्ष 8 अगस्त 2018 को। मुझे लगता है कि इस बार इसका सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि शनि की मादशा और मंगल का अंतर शुरू होगा अगस्त के बाद में, एक अच्छा समय। तो इस बार अगर हम प्रयास करते हैं, जो इसने एफर्ट्स किए हैं उसके सक्सेस रेट जो है वो परसेंटेज ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कैसे हम इसके भाग्य की शुभता को प्राप्त करें। जैसा मैं आपको कहता हूँ वैसा आप करिए, आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। एक तो इस बच्चे के वज़न के बराबर गुड़ का दान आप गौशाला में कर दीजिएगा, जितना भी इसका वेट है गौशाला जाके, अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि जो भी इस बच्चे की अड़चने हैं रुकावटें हैं गौ माता से प्रार्थना कीजिएगा कि वो दूर हों। दूसरा, किसी मंदिर के अंदर अगले 15 दिन के लिए अखंड जोत जलवा दीजिए। आज से 15 दिन तक अमावस तिथि तक, 15 दिन तक कोई हनुमान जी का मंदिर हो वहाँ अखंड जोत जलवा दीजिए, निश्चित तौर पे इस बच्चे का नीट के अंदर अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन होगा। गुरुजी अगली कॉलर ले लेते हैं फटाफट से। रक्षा जी हैं जो चित्तौड़गढ़ से कॉल कर रही हैं, बेटे कपिल के लिए पूछना चाहती हैं। 14/6/1999 और माफ कीजिएगा 91 और 8:30 बजे का सुबह का टाइम। रक्षा जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी मैं आपसे पहले मिल चुकी हूँ और ये मेरे दीदी के बेटे की कुंडली है और उसका क्या डाइवोर्स का केस चल रहा है। इन्होंने फेसबुक पर लड़की को पसंद किया, 3 साल पहले शादी की, आपने हमें मना किया था कि आप मत करना ये शादी, पर बच्चे की जिद की वजह से हमें शादी करनी पड़ी। अब वो लड़की ना तो डाइवोर्स देने को तैयार है न आने को तैयार है। ये बच्चे की कुंडली है? हाँ जी। ठीक है, देखिए बेटा रक्षा, इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि इसीलिए हम कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को ये बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आजकल जो विवाह है वो बहुत सोच समझ के किया जाता है। हम कहते हैं आज के समय में यदि आपने कोई पुण्य किए हों तो अच्छी बहू मिले, यदि आपने कोई पुण्य किए हों तो अच्छा जवाई मिले। आजकल इस कलयुग के अंदर जो विवाह जो संबंध है वो बहुत तरक्ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक इस बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, शनि की मादशा और मंगल का अंतर चल रहा है, शनि और मंगल, मंगल इसकी जन्म कुंडली में नीच का है, तो कहीं ना कहीं इस बच्चे का एक नेगेटिव टाइम जो है वो नवंबर 2018 तक रहेगा। लेकिन उसके बाद में राहु की मादशा शुरू हो रही है, राहु शत्रु भाव में चंडाल योग बना रहा है,
इस बच्चे को कोर्ट कचहरी से दूर रखना है, जो संभव हो अगर कुछ सेटलमेंट करके अगर ये रिश्ता क्लियर होता हो, आपस में एडजस्ट होता हो तो आप उसको कर लीजिए। कोर्ट कचहरी में जाने से बचिएगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी में जाने से अपने बच्चे को ही नुकसान है, क्योंकि आगे आने वाला भी समय जो है वो कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। अब समय की शुभता को प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड का पाठ शुरू करवाइए। अब मेरी एक बात मान लीजिए, कोशिश कीजिए, एक तो अगले 15 दिन जो है आज से आपको इस बच्चे के नाम से अखंड ज्योत जलानी है, अखंड दीपक जलाना है किसी हनुमान जी के मंदिर में, सुंदरकांड का पाठ करना है। यदि इस समस्या का समाधान चाहते हैं तो हर मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करें, नवंबर से पहले पहले ये मैटर सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या आपके लिए आज। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। आज व्यापार में, बिजनेस में कुछ नया करने का मन बन सकता है। हमारे जो नौकरी पेशा दर्शक हैं उन लोगों को पुरानी परेशानियों से राहत मिलने के योग बन रहे हैं। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। बात करते हैं सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, किसी की बात पर आज बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर रिएक्ट मत कीजिएगा। ऐसा करने से आपकी गलत इमेज बन सकती है और पुरानी जो बातें हैं उसको भूल कर भविष्य की ओर देखने का प्रयास कीजिएगा। वर्किंग सेक्टर में बदलाव के योग बन रहे हैं। आज के दिन की सफलता के लिए माताजी के मंदिर में एक लाल कलर का पुष्प चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किस्मत और किसी खास इंसान के भरोसे काम शुरू करने की मत सोचिएगा। हर हालात में अपना जो व्यवहार है उसे सकारात्मक रखिएगा। आज जो मेहनत करेंगे आने वाले दिनों में वो मेहनत आपके बहुत काम आएगी। आज के दिन की सफलता के लिए दूध में थोड़ा सा पानी मिलाकर पीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं।